राधा मोहन दास अग्रवाल ने जब से राजकुमार रोत को लेकर यह बयान दिया है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं, तब से लेकर राजस्थान में खासकर आदिवासियों में हलचल मची हुई है। इसकी चर्चा काफी तेज हो गई है, पर अब राजकुमार रोत ने ही बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान में जो विवाद चल रहा है, यह विवाद आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहा है, जिसमें प्रमुख भूमिका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आदिवासी नेता राजकुमार रोत ही निभा रहे हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। उनका कहना है कि भाजपा समाज को जोड़ने का काम करती है, न कि तोड़ने का। राठौड़ ने राजकुमार रोत पर आरोप भी लगाया है कि वे आदिवासी समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है तो भाजपा उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी। रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि राठौड़ को काले झंडे दिखाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी खबरों में मजाक में लिया और कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। भाजपा के अन्य नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि राजकुमार रोत को केवल भाजपा के साथ काम करके ही सफल होने की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने भाजपा के आदिवासी समाज के लिए किए गए कामों को रेखांकित किया है। उनको दिखाया है कि ये काम जो है भाजपा ने आदिवासी समाज के लिए किया है। राजकुमार रोत ने अपने जवाब में कहा कि उनकी जो है उनको नेता बनने की सफलता में बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जनता का हाथ है, न कि भाजपा का। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की टिप्पणियों को खारिज किया है और कहा कि आदिवासी पार्टी बिना किसी राजनीति काम जो है संभव नहीं, और वो भाजपा का दामन भी नहीं थामेगी। आखिर में इस विवाद के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे जाकर आदिवासी समाज और भाजपा के बीच रिश्ते कैसे विकसित होते हैं, और क्या राजकुमार रोत और भाजपा के बीच कोई समझौता या कि विवाद गहरा होने वाला है। जिस तरीके से इन दोनों के बयानबाजी चल रही है, पर अब ये स्पष्ट हो गया है, ये क्लियर हो गया है कि राजकुमार रोत किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो अकेले रहकर अपनी पार्टी के बीच रहकर जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, आदिवासियों की समस्याओं को सुनेंगे और जो भी समस्या होगी उसको लेकर काम करेंगे, पर किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मदन राठौड़ ने भी कहा कि राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसे पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे जो कि देश को तोड़ने का काम करती हो। अब इस पर राजकुमार रोत का क्या क्या पलटवार होगा, क्या उनका बयान आएगा, ये देखने वाली बात होगी, पर इससे आदिवासियों में भी शायद आक्रोश हो जाए। खैर, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।